दिखाई नहीं दे रहा मुझे कुछ। ओह आइला जादू, जादू लगा लिया अब तो सब दिखेगा। तो आज कुछ ऐसे ही जादूगर आपको दिखने वाले हैं आज की वीडियो में गाइस। ऐसा ही आज कुछ आपको दिखेगा, इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट कराते हैं नॉनस्टॉप भाई, उनमें ही ऐसी आइला जादूगर करके प्लेयर हमने देखे हैं। सोचते हैं कि लगा के भगवान बन जाएंगे, पर उनका हाल कुछ ऐसा बेहाल हुआ कि ना घर के रहे ना घाट के, बेस्ती अलग करा के चले गए। तो ऐसा ही एक हमने चैनल ढूंढा है स्टोरेज का, जहाँ पे हमने एक रिसेंटली वीडियो फाइंड करी है, जिसमें पिछले कुछ टाइम में जो जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हैकर आए, जिन्होंने सोचा कि मचाएंगे, प्रो प्लेयर बन जाएंगे, अखंड प्लेयर बन जाएंगे, उनके साथ हुआ क्या है और कैसा उनका सीन हुआ है, कैसे उनको पकड़ा गया है, हर चीज आज देखेंगे और पता लगाएंगे कि टॉप 5 हैकर्स आखिरकार थे कौन वो। और भाई कसम से यार बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं कि है कौन कौन। तो चलते हैं सीधा फैक्ट्री स्टोरेज के चैनल। तो गाइज हम आ चुके हैं यहाँ पे फैक्ट्री स्टोरेज के चैनल पर, और चलिए करते हैं शुरुआत यहाँ पे आज की इस वीडियो की। चलिए ओके, अच्छा पहले इंट्रो है, चीजें देखने को मिलती है अकेला प्लेयर। और रे भैया वन टैप क्लासी भाई को दिया है, बड़ा गंदा। पहली गोली बुलेट, दूसरा मैक्सा, तीसरा रिसुदन, चौथा रेटलर। क्या है ये भाई, ये तो सच में जादूगर है क्या? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की कुछ वीडियो ऐसी ही होने वाली है जिसमें हम टॉप 5 हैकर्स देखने वाले हैं, फैक्ट स्टोरेज भाई की जवानी। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरुआत बिना किसी देरी के, और पता लगाएंगे कि वो सच में हैकर भी थे या फिर फेयर प्लेयर थे। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग से वीडियो में, और आज की इस वीडियो में आपको हमारे नॉनस्टॉप गेमिंग के लाइव पे पकड़े गए 5 सबसे डेंजरस यानी खतरनाक हैकर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्होंने ऑनलाइन एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट यानी एक ऑफिशियल कस्टम में हैक यूज किया। और इस लिस्ट में हमारे इंडिया का एक काफी पॉपुलर यूट्यूबर एंड ऑल्सो एक बहुत ही पॉपुलर वीवैच यूट्यूबर का टीममेट यहाँ पे हैक यूज करते हुए पकड़ा गया है। कौन होगा वीवैच का टीममेट, कौन होगा पॉपुलर यूट्यूबर? तो वीडियो बहुत ही क्रेजी और इंटरेस्टिंग होने वाले, इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं नंबर 5 वाले हैकर की तरफ। तो गाइस नंबर 5 पर जो हैकर आता है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, और जो लोग नॉनस्टॉप भाई की लाइव यहाँ पे रेगुलर देखते हैं वो इसे जानते होंगे। ये रशिया की नोवा नाम की स्क्वाड की तरफ से खेलता है, और स्पेशली ये फुल मैप नहीं बल्कि एक कस्टम प्लेयर है। और भाई इस बंदे की जो एक्यूरेसी है वो कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मल है। सर्वर चेंज करके इंडियन सर्वर में थोड़े हाई पिंग पे खेलना और हर एक गोली रेड मारना, इसमें थोड़ा तो थोड़ा डाउट होता है। और भाई ये बात तो है कि भैया अदर सर्वर से आते हैं इंडिया सर्वर में तो आसान नहीं होते हैं वन टैप वगैरह मारने, या फिर ऐसा एमिंग परफेक्ट करनी। अपने प्लेयर्स जब जाते हैं तो स्टार्टिंग के 2-4 मिनट तो सेट होने में लेते हैं, पर जब सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं नॉर्मल हो जाते हैं। पर देखते हैं भाई, ये तो हैकर की वीडियो है या तो हैकर। अभी रिसेंटली इस बंदे ने इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स में से एक एनएक्सटी की स्क्वाड के चारों बंदों को सिर्फ 4 गोलियों में मार दिया था। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि एनएक्सटी स्क्वाड को कोई मार नहीं सकता, बट भाई एक बेस्ट स्क्वाड को जो कि कंट्री के वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स में से एक है, उसके चारों बंदों को सिर्फ 4 गोली में भाई विदाउट रिकॉइल मारना, ये भाई बहुत एबनॉर्मल है। बट लॉजिक एबनॉर्मल शॉट के बाद एक और बहुत एबनॉर्मल चीज हुई थी यहाँ पे, जिससे ये साबित होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पक्का हैकर है। लेकिन पहले आप वो क्लिप देख लो जिसमें इसने 4 गोली में पूरी की पूरी एनएक्सटी स्क्वाड को फिनिश कर दिया था। चलिए इसी पे फोकस करते हैं, क्या क्या नई चीजें देखने को मिलती है अकेला प्लेयर। बूम हेडशॉट क्लासी भाई को कराया भाई, भाई कसम से 4 बुलेट। अरे भाई साहब 4 प्लेयर बहुत है यार, चारों को 4 विकेट गिरा दिए भैया, 4 गोल को। अरे अरे भाई कसम से यार, क्या है ये भाई, अबे बॉल कितना गंदा कैंप किया इसने। रुक जाओ एस है गाइस, और एस 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 चाहिए थी रिसुदन को, एस चाहिए थी रिसुदन को, एस चाहिए थी। अरे भैया अरे भैया आओ भाई, रिसुदन एस लेने गया, रुक जाओ एस है, इस देख के आ गए भैया, ये काफी गंदा मारा है सच में इसने तो भाई। तो गाइस इस एबनॉर्मल क्लच के बाद यहाँ पे क्लासिफाई ने यहाँ पे खुद बोला था कि भाई इस बंदे में कुछ ना कुछ यहाँ पे एबनॉर्मल ये खेल रहा है, ये गलत खेल रहा है। और उसके बाद क्लासिफाई ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिपोर्ट भी किया था, और रिपोर्ट करने के थोड़े देर बाद ही इस बंदे की जो आईडी है वो सस्पेक्ट में चली गई, मतलब गेम का जो सिस्टम है उसने इसकी आईडी को यहाँ पे सस्पेक्टेड पकड़ा। और किसी की भी जो आईडी है वो तभी सस्पेक्ट में जाती है जब वो बंदा कुछ अनफेयर खेल रहा होता है। तो इससे और भी कंफर्म हो गया कि ये जो बंदा है ये कुछ ना कुछ झोल जरूर कर रहा है। बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। बिल्कुल मैं बताता हूँ। तो गाइज मेरी बात हुई नॉनस्टॉप भाई वगैरह से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं पता लगा कि ये बंदा हैकर नहीं है, फेरी था, अच्छा मारा था उस दिन, अच्छा टाइम था इसका और खेलता भी अच्छा है, तो ये हैकर नहीं है, सॉरी टू से फैक्ट स्टोरेज भाई, ही इज अ फेयर प्लेयर, सुनने में ऐसा ही आया है। पर अब नंबर 4 कौन होने वाला है गाइज,
नंबर फोर। तो गाइस नंबर फोर पे जो सबसे डेंजरस हैकर आता है उस हैकर का नाम है ब्लू M10। और बिना किसी डाउट के मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, ये ब्लू M10 ही पागल M10 है। और अभी रिसेंटली जैसा कि आपको पता भैया, ये तो बहुत गलत सीन हुआ था, पूरा टूर्नामेंट खेल लिया था उन दो तीन चार यहाँ पे नॉनस्टॉप में है क्या, टूर्नामेंट करवाया था जिसमें भाई इंटरनेशनल स्क्वाड्स भी खेल रही थी। और इसी टूर्नामेंट में सनीचर गेमिंग की स्क्वाड से ये ब्लू M10 पागल M10 खेल रहा था। और इस टूर्नामेंट में ये बंदा ऑन लाइव हैक यूज कर रहा था। पूरे टूर्नामेंट में ये बंदा काफी सस्पिशियस खेल रहा था, बट किसी ने उतना ज्यादा नोटिस नहीं किया। लेकिन एक बार जब इसने क्लासी भाई की स्क्वाड को क्लच किया तो भाई वो मतलब बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस तरीके से क्लच किया। यार एक बात होता होगा, जितने भी ये गणत चीजें हुई हैं, अगणत चीजें जो भी पंगे हुए हैं, सब क्लासी भाई के साथ ही हुए हैं यार। ऐसा लग रहा है पहले वह हैकर ने भी क्लासी भाई के स्क्वाड को चपेट दिया और इन भैया ने भी ऐसी चपेट दिया, M10 भैया ने। हाँ वो यही तीव्र और अब तक यही है। यहाँ पर शॉट गन किए हमारे ये रिफाइनरी से मार रहे थे, तुम कैसे देख रहे हो? हाँ नहीं तो MDV सनीचर को। अरे भैया ये स्पॉट थी बा। ओ तो भैया। हाँ नहीं तो MDV सनीचर को। और अरे भैया। ये स्पॉट थी बा। ओ क्या भाई आज भी। अरे 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 भाई। मतलब पहले लगा रहा था क्या? ब्लू ने कैसे मारा? जादू। That's not blue. That's red. Oh my. That's red. डाउन ड्रैग क्यों रहा है ये? हाँ सच में नीचे है, नीचे कर रहा है ना ये, नीचे खींच रहा है। जिसके बाद यहाँ पे क्लासी भाई के स्क्वाड मेट हरिसुदन ने इस बंदे को रिपोर्ट कर दिया। और इसके थोड़ी देर बाद ही इसकी आईडी बिना किसी सस्पेक्ट में जाए डायरेक्टली मेरे सामने ही बैन हुई थी इसकी आईडी, तो अभी कुछ दिन पहले की बात है भाई। गलत हैक यूज किया, उससे पहले कई टूर्नामेंटों में और खेल रहा था, इधर उधर की तारीफें सुन रहे थे हम कि हैक लगा के मार रहे थे भाई। पर कोई बात नहीं, समय आता है जिसमें सबकी खिंचाई हो जाती है। नंबर थ्री पे कौन आता है गाइस, क्या लगता है अब एक और इंडियन प्लेयर मिलेगा क्या ऐसे ही नंबर थ्री पे? जो सबसे डेंजरस हैकर आता है उस हैकर का नाम है एक्सरीना MVP, जो कि थाईलैंड सर्वर का एक प्लेयर था और उनकी स्क्वाड से खेल रहा था। और ये बंदा एक न्यू प्लेयर था, मतलब ये न्यू पीसी पे खेल रहा था, अच्छे से वो उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहा था पीसी पे, बट फिर भी ये बंदा ओनली रेड नंबर ही मार रहा था। और इसलिए शक होने के बाद यहाँ पे ऑन लाइव नॉनस्टॉप भाई ने इस बंदे का 1v4 टेस्ट लिया। और उस टेस्ट में भी इस बंदे की मूवमेंट ग्लू स्पीड कुछ ज्यादा खास नहीं थी, बट फिर भी ये बंदा ओनली हेडशॉट से ही बात कर रहा था। तो इसके बाद इसका स्क्रीन शेयर करवाया गया डिस्कॉर्ड पे, और जब इसका पीसी चेक किया गया तो कुछ ऐसा दिखा जिसे देखने के बाद भाई मतलब काफी लोग हंसने भी लगे और काफी लोगों को गुस्सा भी आ गया। दिखाओ भाई भाई ये बंदे पूरी मेहनत करी है, मतलब इसके पास पैनल ही है शायद, मेरे को लग रहा है बैट की कर रहा है। हेलो हां ये बैट की ऑन कर रहा है। हां ये तो जादूगर था, ये दिन तो मुझे याद था, मैं भी था यहां। अबे साले आलोक की बोल रहे थे खड़े होके, अगर कभी बैठ के कर रहा था कभी कूद के कर रहा था, फिर भी तो ऊपर ही आ रहा है। ओके ब्रो नाउ डू नॉट क्राउच, ओके डू नॉट सिट यस ब्रो डू नॉट सिट, क्लिक 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 आलोक डू नॉट सिट। ये ले पागल है क्यों? ये तो नशेड़ी बंदा था उस दिन। अरे अब इसको गाली देने का मन कर रहा है भाई इस बार, जिस बार सच में इसको ना ये तो पागल समझ रहा था मैं, हर बार बैठ जा रहा है, बैठ क्या लोग चालू कर रहा है, ये तो पागल समझ रहा था मैं। ओके ब्रो नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम कोई बात नहीं, यू डू दिखा देगा ले। अरे करके भी दिखा इसने गाइस आलोक किया ही नहीं, आराम से खड़े होके जाता ऊपर, बट ये नॉर्मल स्टैंड होके नहीं दिखा सकता स्टार्ट करके। अरे भाई अरे यार ये आलोक का पहले नहीं होता था यार, मैं भी था उस दिन। ब्रो जिंदा पैनल देखो, ये देखो भाई पूरा लाल है यार, ये जिंदा पैनल यूज यार, हिम्मत कैसे हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बंदा भाई एकदम ऑन लाइव पैनल यूज कर रहा था, और जैसा कि आपको पता है कि डीजे आलोक कैरेक्टर से यहाँ पे जो पैनल है वो डिटेक्ट हो जाता है अगर आप खड़े होकर यहाँ पे डीजे आलोक की स्किल को यूज करोगे, और अगर वो स्किल आपकी कमर की जगह आपके सर पे, यानी जो आलोक का स्किल है वो सर पे अगर यहाँ पे सर्कल होने लगा तो इसका मतलब जो प्लेयर है वो पैनल यूज कर रहा है। और ठीक सेम चीज ये बंदा कर रहा था, और जब इस बंदे को यहाँ पे आलोक की एबिलिटी यूज करने के लिए बोली गई तो भाई ये बंदा बैट के यूज कर रहा था ना कि खड़ा होके, क्योंकि इसको पता था कि बैट के यहाँ पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़े, लेकिन वो खड़ा होगा तो उसके सर पे यहाँ पे जो आलोक की एबिलिटी वो दिखने लगी, यानी सबको पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है वो पैनल यूज कर रहा है। तो काफी ज्यादा ड्रामा होने के बाद इस बंदे को पकड़ लिया गया कि ये बंदा ऑन लाइव यहाँ पे पैनल यूज कर रहा था। तो गाइस तीन तो हो गए भाई साहब, इंडिया से एक हैकर पकड़ा गया है। वैसे एक बात तो है, इंडिया के प्लेयर्स फेयर खेलते हैं प्रॉपरली, अब जितने भी खेल रहे हैं जो भी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, दो तीन स्क्वाड है वो फेयर ही खेल रही है, पर एक ही मोबाइल प्लेयर जादूगर आ गया था कहीं से, वैसे खासकर बाहर के ही मिल रहे हैं, अब देखते हैं कौन मिलता है। उस हैकर का नाम है इजी रई। अभी रिसेंटली जब इंडिया वर्सेस मीना का मैच चल रहा था नॉनस्टॉप भाई के लाइव पे, जिसमें इंडिया की तरफ से खेल रही थी हमारे GW करण भाई की स्क्वाड, और मीना की तरफ से खेल रहा था एक बहुत ही पॉपुलर वीबैट यूट्यूबर खकई टीवी की स्क्वाड, और इसी मीना की स्क्वाड में एक बंदा खेल रहा था इजी रई नाम का, जो की कवर में ग्लूवाल के आर्क बार यहाँ पे स्नाइपर से मार रहा था। तो पहले आप वो क्लिप देख लो जिसमें इस बंदे ने भाई पूरा एबनॉर्मल मारा था। अच्छा
और नॉन स्टॉप भाई वो दिखा दो फेंस वाला मतलब पूरा क्लियर है। अच्छा जीडब्ल्यू करण की स्क्वाड पकड़ ली इस बार, बनना क्लासिक की स्क्वाड को ही मार रहा था जो मार रहा था पकड़ के। अरे भैया और नॉन स्टॉप भाई देखो राइट से पड़ ही नहीं सकता, मैंने वॉल डाल दिया था। अरे भाई साहब, अरे ये तो खड़ा-खड़ा ही लेट गया बेचारा, गलती नहीं है इनकी। तो जैसा कि आपने देखा कि एक वी बैट यूट्यूबर का टीममेट यहाँ पे हैक यूज कर रहा था और ये चीज यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे कंफर्म हो गई कि ये बंदा हैक यूज कर रहा था। यहाँ पे जीडब्ल्यू करण भाई की स्क्वाड ने यहाँ पे कुछ क्लिप्स दिखाए जिसमें उस बंदे ने यहाँ पे एबनॉर्मल मारा था, जिसके बाद यहाँ पे खुद कंफर्म कर लिया नॉनस्टॉप भाई ने कि वो बंदा हैक यूज कर रहा है। बट इसके बाद एक और बहुत ही खतरनाक चीज हुई कि जीडब्ल्यू करण की स्क्वाड ने इस बंदे को रिपोर्ट मारा था और रिपोर्ट मारने के थोड़ी देर बाद ही इस बंदे की जो आईडी है, अरे भैया धत तेरे की आईडी बैन करा दी है, बैन हो गई, इसलिए ये बंदा भाई प्योर हैक यूज कर रहा था। हैकर्स को चलने दो यार, इन हैकर्स ने यार कसम से गेम की ऐसी कर रखी है, पता नहीं फेयर क्यों नहीं खेल सकते आज के टाइम में, इतने तगड़े तगड़े फेयर प्लेयर आ रहे हैं, इतना तगड़ा खेलने पर ये हैकर्स नहीं। नंबर वन, तो गाइस नंबर वन पर जो सबसे डेंजरस हैकर आता है उस हैकर का नाम है इजी जैक। और अरे भैया ये भी मीना सही है के? इंसिडेंटली ये बंदा भी यहाँ पे मीना का है और वी बैट यूट्यूबर हकी टीवी का स्क्वाड मेट है। और अभी जो एनजी का यहाँ पे फुल मैप टूर्नामेंट हो रहा था तो इस बंदे ने यहाँ पे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स में से एक एनएक्सटी को भाई एक झटके में, अरे भाई क्लासी भाई मारो मुझे, क्लासी भाई भी लाइक मारो मुझे भाई, जो भी हैकर मिलता है उनसे सामना होता है क्लासी का। पहले आप लोग क्लिप देख लो, उसके बाद मैं आपको और झटका आई मीन और एक्सप्लेन करता हूं। झटका मरियो मत रेटलर, बता रहा हूं ब्रो तुमको। 75 ठीक है, ये कडाबरा है यार, फिर से 95 ठीक है, इसको 150 पड़ जाता है। ये क्या था जादू, थोड़ा सा भी दिखता है तो मार देता है, थोड़ा सा भी दिखता है तो मार, आर पर मार दिया मुझे तो बड़ा एक। अरे वैसे अंदर है क्लिप, चलो देखते हैं नोवा की टीम है सामने। अरे अरे यूके आया भाई, अरे अब इसको भी आर पर मारो, अरे भैया जादू को देखता हूं तुम क्या। ऐसे बंदे बहुत आते हैं यार टूर्नामेंट में, इन्होंने हद कर रखी है, पकड़े जाते हैं पर ये बात तो है किसी भी चीज नहीं चलती है। फर्स्ट टाइम या फिर सेकंड टाइम की बात कर रहे हो? फर्स्ट टाइम जो क्लियर हो रहा था। अरे 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 भैया आर पार ही दे रहा है। अरे भैया ये तो कहीं से मार, अरे चलो खत्म कर दिया। देखा कि हैकर सबसे पहले यहाँ पे क्लासी भाई को डाउन करता है जो कि रिवाइव होने वाले ही रहते हैं कि तब तक भाई वो बंदा यहाँ पे आर पार क्लासी भाई को फिनिश कर देता है। और गाइस मेन मोटिव यही है इस वीडियो का भी और यहाँ पे कहने का कि हैक वगैरह कुछ भी लगा लो यार, एक दिन पकड़े ही जाओगे अगर तुम अच्छे फेयर तरीके से वैसे हल्के भी खेलते हो चाहे नॉर्मल खेलते हो तो लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे और अच्छा खेलोगे तुम्हें भी अच्छा लगेगा, पर बुरी चीज का अंत कहीं ना कहीं निश्चित है।